हेलो, स्वागत है आपके अपने YouTube आज हम सारा से पहले शुभारंभ करने जा रहे हैं। छोटा में से सारा से पहले जा रहे हैं। इस बार काफी भीड़ है वाले याद महाराज जी के मंदिर से निकल रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं काड़ा बाटा से आगे और यहाँ पे हमारी वैन खड़ी है तो चाय की व्यवस्था है। यहाँ पे चाय आए पियेंगे और ये हमारे ग्रुप के साथ ही चल रहे हैं, फिलहाल तो सीधे सीधे चल रहे हैं। आगे देखते हैं इनकी क्या हालत होती है और आगे देखा कि कहीं हालत हुआ क्या कहीं चल रहा है। अब ले आटा चाय को मर्जो, होटल को नाम है जय माँ भवानी होटल और बढ़िया होटल है, बढ़िया चाय बन रही है। होटल है जय माँ भवानी, कभी आप आओ तो यहाँ बिल्कुल रुक के चाय आए पीना आराम से। और ये भाई साहब है बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, ये देखिए जय माँ भवानी इनकी शॉप का नाम है। तो आप बिल्कुल रुकना यहाँ पे आओ तो स्टॉपेज करना इनकी होटल पे। हेलो गाइज, अभी हम पहुंचे हैं टैगोर इंटरनेशनल के पास में और ये देखिए दोस्तों ये हमारे गणेश जी लगता है। क्या हाल है आपके सबके? बहुत बढ़िया हाल है, आप बताओ आपके क्या हाल है? बहुत अच्छी चल रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है क्या? बहुत अभी बच्चे बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। बच्चों का तो देखो आना सौभाग्य की बात है हमारे ग्रुप में। और हमारे ये भाई साहब ये जोड़े से आए हैं इस बार। ओहो क्या बात है, कमाल कर दिया। बिल्कुल, अरे शानदार भाई साहब, 500 रुपए किलो वाले बस बढ़िया। ये देखिए दोस्तों हमारा ग्रुप, और आपको कभी रुकना हो तो यहाँ होटल जय माँ भवानी होटल है। ये टैगोर इंटरनेशनल स्कूल से पहले है राम सा तो भाई। तो ये चाय वगैरह अच्छी बनाते हैं यहाँ पे, आपको चाय नमकीन बिस्किट्स सबकी व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे। तो कभी आप आओ तो रुक के जाना यहाँ पे बिल्कुल। ये देखिए इनका मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया है। और ये हमारे रामू भाई सेवा करते हैं तो मेवा तो ज़रूर मिलता है, ये इन्हीं का डायलॉग है, फेमस डायलॉग। ये मोहनलाल प्रवीण जी, ये देखो दोस्तों अभी बहुत मुस्कुरा रहा है। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, और ये हमारे आशीष हमारे कज़न भाई, और ये भी इस बार जयपुर से आए हैं पैदल यात्रा चलने के लिए, कामना थी इनकी इनको। और ये हमारे विजेंद्र भाई जो तानसेन का तड़का लगाते हुए दोस्तों, ये धूप बहुत तेज है इसलिए टोपी वगैरह ये गॉगल्स रुमाल पूरी व्यवस्था करके आए, ये देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, क्या बताऊँ आपको मैं।
ये देखिए दोस्तों यहाँ रुके हुए हैं, बाकी के मैं आपको बताऊंगा। ये मेन रोड है, ये इधर राणासर की तरफ जाता है, और ये वाली जो रोड है ये जाती है गुजामर की तरफ। दोस्तों ये हम इधर से आए थे, गुजामर की ओर से आए थे, हमारे ग्रुप के लोग आ रहे हैं, बाकी के अभी इनको चाय आए पिलाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से वापस रवाना होंगे। हमारा पहला स्टॉपेज है राणासर में, वहाँ हम नाश्ता वगैरह करेंगे, और उसके बाद में आगे के लिए नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए जाएंगे, जो जो कि हमारा बांसा में है हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज। तो वहाँ पे हम रेस्ट करेंगे, खाना ना खाएंगे, तो मैं अब आपको वहाँ की लोकेशन भी दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को ज़रूर, ये मत भूलना दोस्तों, क्योंकि इससे मोटिवेट मिल रहा है हम लोगों को। आ चुके हैं हमारे ग्रुप के बाकी लोग, ये देखिए जय बाबा की, जय बाबा की। चाय है, बियोड है, पानी चाय। ये हमारे श्री नलिका बालाजी मंदिर के पुजारी जी सत्यनारायण जी महाराज, इनकी कृपा से हम आए हैं यहाँ पे सालासर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टॉपेज में मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, विश्राम गृह, और यहाँ पे नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है दोस्तों। ये हमारे भाई लोग जो सेवा करने के लिए आए हैं हमारी, तो ये नाश्ता वास्ता लेके आए हैं। देखिए अभी पैकिंग है, अभी सब का आने का इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग आएंगे तब नाश्ता वास्ता करवा के और आगे के लिए रवाना करेंगे यात्रा को। ये हमारे पार्षद वार्ड नंबर 16 के भव्य विजेता विक्रम जी राजौरिया, और ये भूतपूर्व है नरेंद्र जी, और ये हमारे महेश जी, जो इन्होंने भी बहुत कड़ी टक्कर दी थी, मनोनीत पार्षद। क्या बोला तूने? क्या एक्टिंग कर रहा है? कोई पार्षद नहीं, अभी सब भाई हैं यहाँ पे और अच्छी सेवा दे रहे हैं। सही है। अतिथि ग्रह राणासर कुचामन ग्रह, अभी दिखाता हूँ, अभी तो मैं आ रहा हूँ वीडियो। ये देखिए दोस्तों राणासर कुचामन रोड पे अपने आपनो अतिथि ग्रह, बहुत बड़ी होटल है, अंदर स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है। ये देखिए दोस्तों, तो कभी आप आओ यहाँ, बिल्कुल रुक के जाना, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों बहुत बड़ी होटल है, वेलकम टू आपनो अतिथि गृह। ये देखिए दोस्तों अंदर पार्क की व्यवस्था है, बैठने की अच्छी चेयर वगैरह है यहाँ पे, पूरी सुविधा है यहाँ पे दोस्तों। ये दिखाता हूँ मैं आपको, एसी वगैरह लगी हुई है दोस्तों यहाँ पे, कूलिंग सिस्टम भी है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। और ये पीछे का, ये देखिए दोस्तों स्विमिंग पूल है यहाँ पे, ये देखिए फास्ट फूड कॉर्नर भी है यहाँ पे दोस्तों, अलग से आप अतिथि गृह का एक पोर्शन और है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इंजॉय भी कर सकते हो, फुल पार्टी वगैरह है, ठीक है, छोटा मोटा जो भी फंक्शन आप यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी, जो भी पार्टी हो अपने, अच्छी है यहाँ पे सुविधा भी अच्छी है। तो कभी आप आओ दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ आप रुकना, दिखाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, हाँ अपनो अतिथि गृह दोस्तों, आप आओ तो बिल्कुल रुक के जाना, और साफ सफाई की व्यवस्था पूरा यहाँ पे सब। आगे ये सुनील जी चौधरी की होटल है दोस्तों, आप यहाँ आओ बिल्कुल रुक के जाना। ये देखिए दोस्त बहुत बढ़िया, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे दोस्तों, हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी आपको यहाँ पे, रूम चेकआउट टाइम 11 AM। ये देखिए दोस्तों, कभी आप आओ तो रुक के जाना, इनसे आप संपर्क जरूर करके जाना यहाँ पे, कूलिंग सिस्टम ठीक है, और स्विमिंग पूल की व्यवस्था, ठहरने की रूम वगैरह सब है यहाँ पे। ये कब बनाई है आपने, कितना टाइम हो गया? 5 मई को ओपन, 5 मई को ओपनिंग थी क्या 2023 में? अभी 4 महीने पहले की। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप कभी भी कुचामन आओ,
तो यह राणा सर हाईवे पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मैं इसकी लोकेशन बता देता हूँ एक बार। ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे आपन अतिथि ग्रह, और ये इनकी लोकेशन है, ये देखिए दोस्तों। और इन्होंने यहाँ पे पैदल यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी कर रखी है। तो आप बिल्कुल, अभी भादवे का महीना चल रहा है तो आप रुको यहाँ पे, तो बिल्कुल रुक के जाना, आराम करके जाना। और ये हमारे रामदेव भाई साहब जो नाश्ते की व्यवस्था करी है इन्होंने, एक मिनट चाय की व्यवस्था कर ले उसके बाद इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल, नाश्ता चालू हो गया दोस्तों। ये हमारे ग्रुप के लोग हैं पैदल यात्री, और यहाँ पे देखो दोस्तों, जय बाबा की। ये ओ माय गॉड, ये कार्यकर्ता हमें ऐसे करके इशारा करके और अपनी ओर आकर्षित करते हुए कि मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे भी देख लो, मैं पूरी से कटिंग करनी है, कटिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों, जय बाबा की। ओहो, ये देखो भाइयों में प्यार देखो आप कैसे झलक रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं भी नाश्ता करता हूँ और फिर मिलते हैं उसके बाद में। ओहो, कृष्णा कंप्यूटर वाला आंसा मैं तो कहीं मिट गई हवा जो वो याद रहे कंप्यूटर। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी आएगी, किसी की नहीं छूटेगी, और हम कट भी नहीं लगाएंगे। हम ऐसे बोलते जरूर है कट लगा देंगे, तो आपके लेकिन लगाते नहीं है। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, टैग रॉकी। अभी ये जितने भी बंधु बैठे हैं इनसे सबसे सब्सक्राइब कराऊंगा मैं अपना चैनल, ठीक है, कुछ सब्सक्राइब तो बढ़ेंगे मेरे यहीं पे। ये देखिए दोस्तों, अब आए कार्यकर्ता हमारे द्वारका, खान जी, सुभाष जी हलवाई, नरसिंह जी हलवाई, और मुर्गियों गजब बेइज्जती है दोस्तों। अठिन मजा पाई, टेंशन मत लो, मैं कट लगा दूंगा। वो करा रहा। हेलो गाइस, राणा सर जी आगे निकल चुके हैं बांसा की ओर, शॉर्टकट से जाएंगे। और ये हमारे भाई लोग छाछ की व्यवस्था करी है इन्होंने इस भरी गर्मी में। ये देखिए रामदेव भाई साहब, राजू भाई साहब, गजू भाई साहब, और ये देखिए अमूल की मसाला छाछ। बस मजा आ गया भाई साहब, जय बाबा की। ऐसी सेवा मिलती रहे तो पार पटक देंगे। बाकी के हमारे दोस्त भाई लोग आ रहे हैं, इधर ये कुचामन रोड है और इधर ये डीडवा। ये देखिए दोस्तों, भवानी और हंसराज आए हैं हमारे सपोर्ट के लिए। जय बाबा री, चल रहे हो ना भाई साहब? हाँ तो चलो बस, बिल्कुल आओ। हेलो गाइस, हमारी सेवा में देखो ये भाई साहब आए हैं और केले वितरित कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जय बाबा की। ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, बासा पहुंच चुके हैं 0 किलोमीटर। अब ये बासा में एंटर हो चुके हैं। ये देखिए नज़ारा, we'll be right back.
दोस्तों बस हमें श्री दुर्गा माता जी का मंदिर आ गया है और यहाँ पे हमारा स्टॉपेज है दोपहर का। यहाँ खाना खा के रेस्ट करके माँ से थोड़ी शक्ति मांग के फिर रवाना होंगे। ए अम्मा, कुछ लोगों के थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट घुमा है। हाँ, ये देखिए दोस्तों चाल में चेंज हो गया है इनके। बैंड आएगा डायरियम वाली बात नहीं, अभी खाना खाने के बाद सही हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों की दुर्गा माता जी का मंदिर वापस से एक बार उठाना तो पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों दुर्गा माता जी का मंदिर बासा में, बहुत बड़ा मंदिर है। आप आओ तो कभी यहाँ रुक के रेस्ट करके आराम से दर्शन वर्शन करके जाना। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। ये देखिए दोस्तों जय बाबा की। ये पहुंच चुके हैं सबसे पहले, अभी हम पहुंचे हैं और पीछे और भी आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों सलाद का सलाद कटिंग हो रही है रामदेव भाई साहब। ये देखिए दोस्तों और ये रामू टमाटर जलाते हुए और पानी की बाल्टी ले जाते हुए और तल्ले लेते हुए। ये हमारी भटियाँ पूरा सेटअप हो रखा है। ये नरसी जी हलवाई कृष्णा स्वीट्स। ये सुबह जी बर्फ को कूटते हुए। ये इधर छाछ है, छाछ को ठंडी करके सबको पिलाएंगे रोटी के साथ में। पूरी सेवा हो रही है। ये देखिए दोस्तों मैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, 43 है अराउंड, 42 के आसपास टेम्परेचर है अभी, और 18 किलोमीटर आ चुके हैं हम कुचामन सिटी से। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई भाई साहब धूप की वजह से। वैसे तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्या धूप ज़्यादा है ना इस बार, इसलिए आराम से 43 या 42 के अराउंड टेम्परेचर है, उसमें तो जाहिर सी बात है हालत ख़राब हो ही जाती है। और ये देखो मंगल सिंह जी पढ़ने की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं बटे पढ़ा। हेलो गाइस, हालत होगी ख़राब। ये हमारे बबलू सेठ आए हैं जो हमारे ग्रुप के अध्यक्ष थे और है अभी भी। और ये तेजू दादा और बबलू सेठ। ये दोस्तों खाने की व्यवस्था हो चुकी है, अभी सब लोग खाना खा रहे हैं आराम से। ये देखिए ये मिक्स वेज सब्जी और सलाद है, छाछ है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मिक्स वेज, ये देखिए दोस्तों नमक तो ले लो तो यार, मांग लियो। अरे सब एक नंबर ही है छाछ का नहीं। और ये देखिए राजू भाई साहब आप कहाँ थे। ये तारू सेठ सुबह 6 बजे निकले थे जल्दी। ये देखिए दोस्तों सलाद है, ककड़ी है, प्याज है, टमाटर है। ये सत्यनारायण जी हमारे पुजारी जी खाना खाते हुए। नहीं जी भूलिया करे कि मालिक कान भूला देना काम किया चाली बस लागो दार पर। ये मोहन लाल चेक, ये तानसेन का लिखी आएगी रिकॉर्डिंग। ये प्रवीण जी रोटियां पिलाते हुए, ये सुभाष जी हलवाई, ये द्वार का प्रसाद नरसिंह जी हलवाई, रामदेव भाई साहब लगे हुए हैं फुल सेवा में ग्रुप की।
ये पैदल यात्रियों की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और ये दुर्गेश, ये देखिए दोस्तों, छाछ ठंडी ठंडी मसाला छाछ तैयार करी है। पूरा माहौल तैयार है, एकदम सेट है। ये देखिए रोटियां हैं, अच्छी अच्छी रोटियां। आराम से खाना ना खाओ, मौज करो। ये बबलू दादा देखिए दोस्तों, पैदल चल के आए हैं, इनकी हालत हो गई है खराब, कैसे बैठे हैं। भाई साहब पैदल चलता नहीं, कभी हालत खराब नहीं हमारी, ठीक है मामलो। आगे ठीक ही रे बाबू है। ये जगदीश जी भाई हमारे, ये देखिए दोस्तों भोजन का आनंद लेते हुए। जय बाबा की, एक नंबर, बढ़िया बढ़िया। अभी यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद में धनकोली के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। अब ठीक है, ये गणेश भाई जी भोजन चल रहा है सभी लोग? बिल्कुल भोजन चल रहा है, आप करिए भोजन। आपने कर लिया था? हमने अभी नहीं किया, हम करेंगे, पहले बच्चों का हो जाए उसके बाद। अरे शानदार, उनको पूछा मैंने, सभी यात्रियों के लिए बिल्कुल बढ़िया। ऐसा क्या? बहुत अच्छा, अच्छे काम कर रहे हो आप। देखो ऐसा ही है। हाय गाइस, हम माता जी के मंदिर में बैठे हैं अभी, तो खाना वाना भी हमने खाया नहीं है, भोजन कैसा बना है पता नहीं। हमारे दो मित्र गण वो आगते हो गए, पीछे हैं, वो आ रहे हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। मोबाइल डिस हो गया, चाल लगे और फिर खाने की डिटेल देंगे कैसा बना है क्या बना। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? आयो भाई जी, लेटे ही हैं वो, ऐसे ही आराम फरमा रहे हैं। आराम भरमा रही होगी यहाँ की, देखो दे दिखाओ दे, दिखा दे। देख तो दे यूट्यूब पर दियो। जय बाबा की। ये देखिए दोस्तों, मिक्स वेज सब्जी सलाद और ये ठंडी ठंडी छाछ मसाला छाछ, चपाती आ रही है अभी।